हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपना कर दे रही हूँ हस्बैंड को एग सैंडविच। तो मैं सामने में रेड चिली यूज नहीं करती क्योंकि उसके साथ ज़रा ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है, वो फिर हजम नहीं खाता। मैं बिल्कुल सादा से तरीके से बस सिंपल सा बनाती हूँ। तो साथ मैंने रात को चिकन मैरिनेट किया था थोड़ा सा हस्बैंड के लिए, बस के 2-3 पीस उनको साथ वो दे दूँगी। तो उनको मैंने बस ऐसे थोड़ा विनीगर, थोड़ा लेमन का रस, थोड़ा सा ऑयल, नमक मिर्च और थोड़ा चाट मसाला डाल के मैरिनेट कर लिया था और फिर इसको मैंने एयर फ्रायर में पका लिया था। तो अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसको फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं। खैर, उसके बाद मैंने हाजिर को रेड किया और स्कूल छोड़ने के लिए चली गई। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और ये मैं छोड़ के वापस आ रही हूँ। तो बेल्जियम में तो खैर बारिश वैसे बहुत ज़्यादा होती है, 7 दिनों में 4 से 5 दिन तो बारिश ले जाती है, स्पेशली विंटर में। तो काफ़ी ज़्यादा बारिश थी और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो इतने में मरवा ने भी तंग करना शुरू कर दिया था कि मामा बस जल्दी घर चलें, सर्दी है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद फिर घर आके फिर वही डेली रूटीन, अब जो कि रमज़ान में मुबारक आने वाला है, तो फिर घर की थोड़ी बहुत मैंने सफाई वगैरह स्टार्ट की हुई है कि साथ साथ पूरी कर लूँ। तो फिर मैंने कहा पहले मैं नाश्ता कर लूँ क्योंकि अब काफ़ी भूख लग गई थी। तो मैंने बस वही सिंपल सैंडविच अपने लिए भी बना लिया और साथ चाय का एक कप लिया और मैं फिर बैठ के नाश्ता करने वाली का पहले थोड़ा सा माइंड फ्रेश करूँ। उसके बाद आज मेरा इरादा था कि आज दाल चावल बनाऊंगी, तो फिर मैंने साथ ही दाल रख दी क्योंकि मैंने ऊपर वाले पोर्शन में जाना था सफाई वगैरह करने के लिए। तो मैंने कहा कि मैं चलो खाना भी साथ साथ ही बना लूँ, और आज मेरे यहाँ की अपॉइंटमेंट भी थी हॉस्पिटल में, तो मुझे ये था कि मैं बस इन कामों से ज़रा फ्री हो जाऊँ। तो इसलिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही थी वो भी, आज बस पता नहीं क्यों थोड़ी इरीटेट हुई हुई थी। तो उसको भी है एक साइड पर उठाया और एक हाथ साइड से मैं खाना बना रही थी, तो बस वो भी कह रही थी कि आज मामा उठा के रखो। तो मैंने फिर कहा कि कोई काम स्किप भी नहीं हो सकता, तो चलो उसको भी साथ उठा के फटाफट करूँ बस जितना होता है। रमज़ान अल मुबारक का महीना शुरू होने वाला है, अल्लाह ताला हर किसी के लिए इस महीने को बाबरकत फरमाए और हर किसी को रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, हर गरीब की मुश्किलें आसान फरमाए और हर बीमार को अल्लाह ताला शफा अता फरमाए। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम सब अपने इस महीने का भरपूर फ़ायदा उठा सके और जितना हो सके इस महीने में अपने प्यारों को, अपने बहन भाइयों का, गरीब बहन भाइयों का, हर किसी का ख्याल रखने की कोशिश किया करें, तो किसी की मदद किया करें। तो आज आप किसी की मदद करेंगे, कल को अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। तो इसलिए कोशिश करें जितना किसी के लिए हिला वसीला बन सकते हैं बनना चाहिए, और अल्लाह ताला जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको औलाद अता फरमाए, बे औलादों को औलाद अता फरमाए अल्लाह ताला। और इस महीने में हर किसी के लिए अल्लाह ताला हर किसी के लिए नेक मुरादें पूरी फरमाए, नेक निश्तें हर किसी की पूरी फरमाए। तो अल्लाह ताला हमारे घरों को अपने सम्मान में रखे, अपनी रहमतों बरकतों के साए तले रखे। तो बस जितना हो सके दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह ताला की हमद सना करें, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज सम्मान में रखे। तो खैर, उसके बाद मैंने डिश वॉशर में बर्तन वगैरह लगा दिया, फिर मैंने कहा मैं भी जल्दी जल्दी रेडी हो जाऊँ और मैं मरवा को भी रेडी करूँ क्योंकि उसकी भी अपॉइंटमेंट का टाइम हो रहा था। तो बस मेरा भी काम ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, तो मैंने किचन अपना साफ़ कर लिया था। तो बस फिर मैंने मरवा को भी कहा कि अब तुम 2 मिनट के लिए बैठो, मैं तुम्हारी कपड़े निकालूँ और फटाफट तुम्हें भी रेडी करूँ उसको, फिर बाद में रेडी शेडी किया और फिर मैं उसको लेके हॉस्पिटल आ गई। आज उसकी वैक्सीन थी। जितना हम सोच कहते हैं कि यूरोप की लाइफ, हम लोग यूरोप जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, बहरहाल यूरोप की लाइफ इतनी ईजी भी नहीं होती।
हाँ जी यहाँ पे, लेकिन ये कि बहुत सारे यहाँ पे मेरिट्स हैं, तो फिर साथ साथ डीमेरिट्स भी होते हैं, तो यहाँ पे सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है, कोई हाउस हेल्प नहीं होती, तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, उठना ही पड़ता है, उठ के करना ही पड़ता है। तो बस ये है कि यहाँ पे आप बैठ नहीं सकते, यहाँ पे आपको रेस्ट नहीं आ सकता, बस आपको नहीं चलना है, चलना है, चलना है, बस बस। तो इतने में अब मरवा की आ गई बारी कि उसको इंजेक्शन लगना था, तो मुझे डर लग रहा था कि मरवा को मैंने इंजेक्शन लगते हुए देखना, पता नहीं क्यों औलाद की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती पर किसी भी बच्चे की भी, लेकिन मेरे से तो मरवा को जब इंजेक्शन लग रहा हूँ या हजको को भी लगे तो मैं आँखें बंद कर लेती हूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मैं देख नहीं सकती। तो यहाँ पे वो मैं मरवा को इसलिए बस देख रही थी दूर दूर से, लेकिन मैं पास नहीं हो रही थी। तो खैर उसको वैक्सीन लग गई और उसके बाद फिर मैं चली गई सीधी स्कूल, आज तक स्कूल का टाइम हो गया था, उसको छुट्टी का टाइम था, तो मैंने कहा उसको पहले ले जाऊँ, घर जाऊँगी फिर वापस आऊँगी, तो इतने में लेट हो जाऊँगी। तो बस फिर मैं पहुँची तो 10 से छुट्टी भी हो गई थी और हंसा कुछ था कि चलो मामा आ गए। तो उसके बाद वो उसको ये था कि भूख लगी है, मुझे कह रहा था मामा भूख लगी है, तो मैंने कहा चलो बेटा घर में खाना बना के आऊँ। तो खैर बस घर आ गए तो हजक मुझे रास्ते में कह रहा था मामा बर्गर, मामा बर्गर, तो उसने मुझे रास्ते में कह दिया था कि मैंने बर्गर खाना है, तो मैंने कहा अच्छा चलो। फिर घर आके उसको बर्गर बना के दिया और फिर साथ मैंने दो कबाब फ्राई कर दिए कि चलो थोड़ा हेल्दी हो जाए। तो हॉस्पिटल जाने से पहले मैं फ़िश मैरिनेट कर गई थी हॉस्पिटल जाने से पहले, तो वो फिर मैंने आके उसको भी थोड़ा फ्राई कर लिया कि हस्बैंड के आने का टाइम हो रहा था। तो इतने में हजक से थोड़ा सा दूध गिर गया था मरवा का, तो उसे मैं कह रही थी कि इसको आपने मैस किया तो इसको आप ही साफ़ करो। तो वो फिर कह रहा था क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर बच्चे से कोई गलती हो, बच्चे से कुछ भी हो, तो उसको मौका देना चाहिए कि वो उसको थोड़ा सा खुद ही से ठीक करे, और इस तरह उसको आदत भी पड़ेगी और इस तरह उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का थोड़ा एहसास भी होगा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। तो मैं तो अगर ऐसा कोई मसला हो तो मैं हाजा को कहती हूँ कि आपने मैस किया है तो इसको साफ़ करो, तो फिर वो कोशिश जरूर करता है, इस बाकी सारा मैं करती हूँ और वो देखता है कि हाँ जी ऐसे करते हैं। तो खैर उसके बाद भी मैंने कहा बेटा अब आप ब्रश कर लो, आपके सोने का टाइम हो रहा है, दूध घर उसने पी लिया था, फिर हस्बैंड भी आ चुके थे और उन्हें मैंने खाना छाना दे दिया था, तो फिर आज गार्बेज निकलना था, तो मैंने कहा कि आप गार्बेज बॉय निकाल दें, जो कि मैंने सारा सेट वेट कर दिया हुआ था, तो बस उन्होंने गार्बेज बॉय रखा। तो उसके बाद फिर हाथ घर धो के, तो बस मैंने कहा अब टाइम हो गया बच्चों को सोने का भी, तो हम हाजों को थोड़ा टाइम दे दें, क्योंकि इस टाइम पे होता है कि मैं और हस्बैंड ने हाजों को टाइम मस्ट देना होता है, उसके साथ थोड़ा टाइम गुजारना होता है, उससे थोड़ा अंदर में सोने होता है, सोने से पहले तो उसके साथ देना होता था, तो वो फिर ज़्यादा लर्न करता है इस तरह। इस मौके पर उसको कोई दुआ वगैरह ये वो मैं सारा कुछ इसी टाइम पे सिखाती हूँ, ताकि वो फिर अच्छी तरह से उसे याद हो जाती है, वो सीखता है। आज जो कि मरवा को वैक्सीन लगी थी और उसको नींद भी नहीं आ रही थी, उसकी तबीयत बस कुछ ठीक नहीं थी, तो वो बस उसका दिल था कि आज मैं खेलूँ मामा के साथ। तो बस फिर मैं अभी उठी हुई थी तो उसने मुझे उठा दिया था 1 बजे, फिर 4 बजे सोई जाके। सो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।